फीमेल गैमेटोफाइट। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में किस तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में, ठीक है। तो वो सारे चीजें अपने को पढ़ना है, किस तरह से अपने को एक फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास एक प्री मेच्योर ओवरी रहता है, प्री मेच्योर ओवरी फर्दर डेवलपमेंट करते जाता है, डेवलपमेंट करते जाता है, और आखिरी में हमें फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रायो सैक मिलता है, इसी को तो बोलते हैं। अब ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो सैक, यही देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो अपने पास फीमेल गैमेटोफाइट में पहला स्टेज आ जाता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं पिस्टल। पिस्टल जिसे गाइनोसियम भी बोला जाता है, मेल के केस में एंड्रोसियम बोला जाता है, ठीक है ना, जिसे स्टैमेन को। चलो तो सबसे पहले आ जाता है पिस्टल या फिर गाइनोसियम। पिस्टल में सबसे पहले आता है अपना स्टिग्मा स्टाइल फिर ओवरी। किस तरह का, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है। ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है, स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टिग्मा जी एम स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टाइल और ये वाला पार्ट ओवरी, ठीक है। ये मेनली तीन पार्ट्स होते हैं एक पिस्टल्स के, इसी को कंसिडरली अपन क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक रिसेप्टिव पार्ट होता है। रिसेप्टिव पार्ट बोलेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं ऐसा पार्ट जो कि पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्टर या फिर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट आता है इसी में पार्ट एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे स्टाइल बोला जाता है, मतलब एक टाइप का ये पार्ट भी है। चलो नेक्स्ट आता है अपना ओवरी। ओवरी क्या होता है, एक बल्ज स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्टाइल्स के थ्रू अटैच रहता है, और इसी ओवरी के अंदर अपना फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रायो सैक की फर्दर डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा अपने को ओवरी के ही थ्रू पढ़ना है। तो ओवरी के थ्रू ही अपना एम्ब्रायो सैक बनता होगा, फर्दर जो क्या होता होगा, एम्ब्रायो के जो भी प्लेसेंटल सेल्स रहते होंगे वो डिवाइड करते होंगे, डिवाइड करके एक फर्दर अपने को क्या मिलता होगा, एक एम्ब्रायो सैक या फिर सिंपल सा ये बोल सकते हैं एक ओव्यूल मिलता होगा। सबसे पहले ओव्यूल मिलेगा फिर एम्ब्रायो सैक मिलेगा, जनरली ये बात है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या बोल सकता हूँ, ओव्यूल्स, ठीक है, या फिर जिसे मेगा स्पोरेंजियम भी बोला जाता है। तो मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ओवरीज प्लेसेंटल सेल्स, ओवरीज के प्लेसेंटल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल्स। इससे पहले दो पॉइंट्स और इसमें नोट कर लेना, ठीक है। अपने पास हो सकता है दो केसेस आए, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें अपने पास बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे पिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही फ्लावर में। तो वैसे टाइप्स के प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वैसे टाइप्स के प्लांट्स के फ्लावर्स को क्या बोला जाता है, तो वैसे टाइप के प्लांट्स के फ्लावर को बोला जाता है मल्टी कैपिलरी प्लांट्स, मल्टी कैपिलरी फ्लावर्स, मतलब एक ही फ्लावर में बहुत ज्यादा क्या पिस्टल्स प्रेजेंट होना। और सिंगल दूसरा स्टेप आता है, मतलब दूसरा केस आता है जहां सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, कई फ्लावर्स हैं जहां सिर्फ एक ही पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोला जाता है मोनो कैपिलरी प्लांट या फिर मोनो कैपिलरी फ्लावर्स। ये पहला केस हो गया। अब इसी तरह से दूसरा केस आ जाता है कि ये जो अपने पास पिस्टल्स प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, सिंपल सा। तो अगर ये एक दूसरे से जुड़े जुड़े हैं, मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, तो इसे साइनोकार्प बोला जाता है। अगर वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, मतलब फ्रीज हैं, तो उसे एपोकार्प बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक एक मार्क्स में कई कार्प पूछ देता है, इसीलिए मैंने बता दिया। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक मेगा स्पोरेंजियम और जिसे ओव्यूल बोला जाता है। मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल्स ओरिजिनेट होता है प्लेसेंटल सेल से ओवरीज के, ठीक है, ओवरीज के प्लेसेंटल सेल। जैसे ओवरी डेवलप करते जाएगा, डेवलपमेंट के वक्त ये प्लेसेंटल सेल्स फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है, और इसी डिवीजन से अपना मेगा स्पोरेंजियम जिसे और ओव्यूल्स जनरेट होता है। मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही है, ठीक है। चलो तो मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल, एक चीज अब मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, बार बार एक ही चीज को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स ओवरी से किस पार्ट, किसके थ्रू जुड़े होते हैं, ओव्यूल्स ओवरी से जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर या फिर एक टाइप के लिगामेंट के थ्रू, लिगामेंट इंसानों में बोलते हैं होता है,
पर एक टाइप की बाउंड्रीज से जुड़े होते हैं जिसे फनिकल्स बोला जाता है, ठीक है। फनिकल्स के थ्रू अपना ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। अब कई केसेस ऐसे रहते हैं भैया कि जहाँ एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कैसे कुछ ऐसे भी प्लांट के केसेस आते हैं, ऐसे भी फ्लावर के केसेस आते हैं, एक फ्यूज्ड फ्लावर या फर्टिलाइज फ्लावर, ठीक है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है? सिंपल, अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं तो क्या आ जाएगा? एक टाइप के मल्टी कंडीशन आ जाएगा। जैसे कि कौन से प्लांट्स में आता है, एक से ज़्यादा, वाटरमेलन हो गया, पपाया आ गया, वहाँ बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी रहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं अपना इसी में फर्दर टॉपिक, ओव्यूल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पहला तो स्ट्रक्चर आ जाएगा इलियम, ठीक है, इलियम आ जाएगा अपना फर्दर स्ट्रक्चर। व्हाट इज इलियम? इलियम बोलेंगे तो सिंपल इलियम बोल सकते हैं फनिकल्स और ओव्यूल्स के बीच की अटैचमेंट, मतलब फनिकल्स और ओव्यूल्स भी तो एक दूसरे से अटैच होंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है। जैसे कि ओव्यूल्स डायरेक्टली किससे? ओवरी से अटैच होता है बाय द मीन्स ऑफ फनिकल्स, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी एक बाउंड्री रहती है जिसे एक लिगामेंट प्रेजेंट, एक टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, बाउंड्री प्रेजेंट रहती है जो इन दोनों को अटैच करके रखती है, एक जंक्शन प्रेजेंट रहता है जिसे इलियम बोला जाता है। तो इलियम पहला पार्ट अपना कवर, इलियम एक जंक्शन होता है किसके बीच में? ओव्यूल्स के बीच में, और दूसरा फनिकल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है यहाँ पास, अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, पहले बाहर के स्ट्रक्चर को कवर लेते हैं फिर अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ कुछ प्रोटेक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। जनरली फ्लावर्स में दो प्रोटेक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट रहती है, या तो किसी में एक प्रेजेंट रहती है या तो दो प्रेजेंट रहती है। उन प्रोटेक्टिव यूनिट्स को इंट्यूगमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल से इंट्यूगमेंट्स, जिसमें एक प्रेजेंट रहती है सिंपल इंट्यूगमेंट्स बोला जाता है, जिसमें दो प्रेजेंट रहती है उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है आउटर इंट्यूगमेंट्स एंड इनर इंट्यूगमेंट्स में, ठीक है। चलो, तो ये आ जाएगा इंट्यूगमेंट्स। इंट्यूगमेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव यूनिट्स होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं। नेक्स्ट आता है इसी में दो एंड्स प्रेजेंट रहते हैं, एक चार्ल्स होता है, दूसरा माइक्रोपाइल एंड होता है। चार्ल्स पढ़ने से पहले माइक्रोपाइल समझ लेते हैं। सिंपल, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में चार्ल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोपाइल एक ऐसा एंड होता है जहाँ पास इंट्यूगमेंट्स अब्सेंट होते हैं। ये इंट्यूगमेंट्स हो गए, ये इंट्यूगमेंट्स, ये पूरा इंट्यूगमेंट्स की एक वॉल हो गई, ये इंट्यूगमेंट्स की एक वॉल हो गई, ठीक है, और ये इंट्यूगमेंट्स की वॉल इस लेयर पे, इस पोजीशन पे अब्सेंट होती है। मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पास इंट्यूगमेंट्स अब्सेंट हो वो उसे क्या बोले जाते हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। फर्दर एक ऐसा भी एंड जहाँ पास से क्या पॉलन ट्यूब एंटर करता है अपने एम्ब्रायो सैक में या फिर न्यूक्लियस में, उसे क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। पॉलन ट्यूब आता है और इधर ही साइड से अटैच अंदर जाता है, सिंपल सी बात। चलो, अब आता है नेक्स्ट आग, इसके बाद आउटर स्ट्रक्चर्स में चार्ल्स। चार्ल्स जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट रहता है माइक्रोपाइलरिन के। यहाँ पास भी अपने पास इंट्यूगमेंट्स अब्सेंट रहते हैं बट आउटर लेयर यहाँ प्रेजेंट रहती है। आउटर इंट्यूगमेंट्स बोल सकते हो कि प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। यहाँ पास ओपनिंग पूरी तरह से नहीं रहती है बट जस्ट ये अपोजिट में प्रेजेंट रहता है माइक्रोपाइलरिन। और ये चार्ल्स अपना बेसियल स्ट्रक्चर, बेसियल बेस को भी जनरेट करता है, बेसियल बेस को भी शो करता है। अब आखिरी पार्ट आता है अपना एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को ही तो अपन क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एम्ब्रायो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो चलो, अभी इससे पहले एक और प्रोसेस है अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इसी में, मेगा स्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। किससे? MMC यानी मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है।
तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेगास्पोर्स इज जनरेटेड या फिर मेगास्पोर्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर मदर सेल से। तो उस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस जो फॉर्मेशन होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में जो मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो थ्रू मियोसिस प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना है। कौन सा डिवीजन होता है ये हमेशा प्रॉब्लम करता है लोगों को, कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस, MEIOSIS मियोसिस, MEIOSIS मियोसिस, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। मियोसिस डिवीजन एक होता है माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोटिक डिवीजन। तो ये मियोटिक डिवीजन सिंपल समझ सकते हो। तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, मतलब मियोसिस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें अपने पास जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटियल रहेंगे, ठीक है, जो पेरेंटियल या फिर पुराने के पास रहेंगे गैमेट के पास, वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे मियोसिस डिवीजन, और एक माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में सेम नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। चलो, तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समकलित, तो यहाँ पर जब ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पास मेगास्पोर मदर सेल्स हो गया, ये मेगास्पोर मदर सेल्स एक डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं, एक डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल्स, और उसका न्यूक्लियस भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रहता है, ठीक है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई रहता है, बड़ा सा न्यूक्लियाई रहता है। तो ये एमएमसी फर्दर डिवीजन करते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, और चार, कितने, चार मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और यही चार मेगास्पोर्स फर्दर प्रोसेस में जाते हैं क्या फॉर्मेशन करने के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रायो सैक। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा कि मैं वीडियो भी चेक कर लेता हूं, एक नंबर, चलो ठीक। तो एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। अब चार मेगास्पोर्स जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसमें से करीबन तीन डी जनरेट कर जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है प्रोसेस कि तीन जो भी मेगास्पोर्स रहेंगे वो डी जनरेट कर जाएंगे, बाकी एक ही फंक्शनल की तरह काम करेगा जो है बाद में फॉर्मेशन करेगा, एक फंक्शनल सेल यानी एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एम्ब्रायो सैक, अब एम्ब्रायो सैक के बाहर में जो फूड रिजर्वर भी जिसे बोला जाता है और न्यूक्लियस भी बोला जाता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एम्ब्रायो सैक के अंदर फर्दर एक न्यूक्लियाई शुरू में एक न्यूक्लियट स्टेज में ये एग्जिस्ट करता है, इसके बाद थोड़े दिनों बाद, मतलब एक सर्टन टाइम के बाद, कुछ लिमिट पीरियड लिमिट ऑफ टाइम के बाद ये टू न्यूक्लियट स्टेज में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। अब जितने हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हाफ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, गे, ठीक है, गे वे नहीं, चलो। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब कुछ किस तरह का रहता है, अपने पास जो मेगास्पोर्स यानी जो फंक्शनल एम्ब्रायो सैक बन गया है, ये एम्ब्रायो सैक, तो ये अपने पास एक न्यूक्लिया ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, ये एक न्यूक्लिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, और फर्दर यही स्टेज फिर कुछ इस तरह से जाता है, ये अपोजिट एंड्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, अपोजिट एंड्स में आ जाते हैं। अब इसके बाद ये जो टू न्यूक्लियट स्टेज के बाद फोर न्यूक्लियट स्टेज आता है, फिर ये टू टू में फिर से डिवाइड होके ये फोर न्यूक्लियट स्टेज में, मतलब दो यहाँ दो यहाँ, अब फोर न्यूक्लियट फिर से डिवाइड होके ये कितने में फॉर्मेशन कर लेते हैं? एट न्यूक्लियट स्टेज, मतलब एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, फोर न्यूक्लियट स्टेज में आ जाते हैं, और यहीं फोर न्यूक्लियट स्टेज में ही ये प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है, फोर न्यूक्लियट स्टेज में ये प्रोसेस रुक जाता है, और फर्दर ये इनका अरेंजमेंट होता है, मतलब रीअरेंजिंग होता है, और ये कुछ इस तरह से बड़े वाले में दिखा देता हूँ, ठीक है, चार यहाँ पास थे, चार यहाँ पास थे, तो इनके ऊपर में तीन सेल्स आ जाते हैं, नीचे में तीन सेल्स और बीच में दो, ठीक है, समझ आए, मतलब ये न्यूक्लियट की अरेंजमेंट होती है, और इसी पूरे प्रोसेस को जिसमें अपने पास ही में जो भी मेगास्पोर मतलब न्यूक्लियट स्टेज आता है, सिक्स न्यूक्लियट स्टेज, एट न्यूक्लियट स्टेज, और यही फर्दर अपना डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करते हैं। अब जो अपने पास न्यूक्लियस जनरेट हुए हैं, ये एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियट, थ्री न्यूक्लियट, फोर न्यूक्लियट, तो इन न्यूक्लियट के अंदर जब ये एट स्टेज में आ जाते हैं तो इनके बाहर में
8 में से करीबन 6 के बाहर तो सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। कौन कौन से कर लेते हैं? ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3। ऊपर वाले 3 को एंटीपोडल्स बोला जाता है, नीचे वाले 3 सेल्स को दो को सिनर्जिस्ट बोला जाता है और एक को एग सेल। ठीक है, जो कि फंक्शनल यही काम करने वाला है आगे। ठीक है, तो ये बोला है। और बीच में दो टोक जिसके ऊपर बाहर सेल वॉल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज सेल नहीं फॉर्म कर पाते, उसे पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। सिंपल से यह समझ आया। चलो, अब जो सिनर्जिस्ट का यहाँ काम क्या है, सिनर्जिस्ट का सबसे अच्छा भैया सबसे अच्छा काम है कि ये पाथ शो करने में मदद करते हैं। पहला बात, क्या पाथ शो करने में मदद करते हैं? पोलन ट्यूब जिस तरह से फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एक पिस्टल के थ्रू स्टिग्मा से अपना स्टार्ट होगा ये सारा प्रोसेस, तो वहाँ पास से जैसे जैसे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी तो ये डायरेक्शन शो करता है कि किधर साइड आना है पोलन ट्यूब को, ये सारा मैनेज करता है सिनर्जिस्ट। और कहाँ आके पोलन ट्यूब एंड करेगी वो भी यही बताता है कि सिनर्जिस्ट में, मतलब दो सिनर्जिस्ट में किसी एक सिनर्जिस्ट में ऐसा प्रोसेस होता है जहां पोलन ट्यूब जनरली आके रुकती है। ठीक है, अब यहाँ पास सिनर्जिस्ट में से दो मेल गैमेट्स रहेंगे, एक मेल गैमेट किसके एग सेल्स के साथ फ्यूज कर जाएगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्रिएट कर लेगा यहाँ, इसे ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है और इसे जायगोट फॉर्मेशन कर लेगा। चलो, वो अगले वाले प्रोसेस में अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और यही पूरा हो जाएगा आपका कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अच्छा तो बस भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।